हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, जैसा कि पीएम और पीएमडी का यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करने का जो डेट रखा गया था वो 17 फरवरी रखा गया था। तो बेसिकली यहाँ पे जो है पारामेडिकल और पारामेडिकल डेंटल का जो है वो अभी अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट का लिंक जो है एक्टिव हो चुका है। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड करना है, इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस जानेंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि बिहार के हर एक नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं पीएम और पीएमडी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है और इसमें आपको कहीं भी गलती नहीं करना है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे किसी ब्राउजर में ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर लिया हूँ। और आपको यहाँ पे सर्च बार में लिखना है BCECEB। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जैसे टाइप किया BCECEBBoard.bihar.gov.in, तो इस वाले साइट को ओपन कर लेना है। और मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं और इसे सर्च करना है। जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जो है यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म सेक्शन पे आपको आ जाना है। और ऑनलाइन फॉर्म सेक्शन पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया जा रहा है डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ DCECEPM और पारामेडिकल का, जो कि यहाँ पे 2020 फर्स्ट राउंड का दिखाया जा रहा है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे देख सकते हैं डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ DCECEPMD पारामेडिकल डेंटल का, यहाँ पे 2020 फर्स्ट राउंड का यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको पारामेडिकल का यहाँ पे फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है तो इस वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, या फिर अगर आपको पारामेडिकल डेंटल का डाउनलोड करना है फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो इस वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं जो है पारामेडिकल डेंटल का यहाँ पे डाउनलोड करने को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पे आप इस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हम थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नया पेज ओपन होने के बाद। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद जो है हमारे पास कुछ एक नया इंटरफेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ DCECEPMD 2020 फर्स्ट राउंड, तो इस वाले सेक्शन को आपको क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे पारामेडिकल का अगर डाउनलोड करना चाहते थे तो यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही पारामेडिकल डेंटल का यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो इस वाले सेक्शन को आपको जो है क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे कुछ लॉगिन डिटेल मांगा जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आपसे कैंडिडेट लॉगिन डिटेल मांगा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट स्ट्रीम में आप यहाँ पे पीएम या फिर पीएमडी जो है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आपको पीएम या पीएमडी सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको रोल नंबर फिल करना है और इंटर पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड, ये वाला कैप्चा इस वाले सेक्शन में फिल कर देना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके जो है अपना पासवर्ड नया बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट स्ट्रीम में देख सकते हैं, हमारे पास जो है वो पारामेडिकल काउंसलिंग और पारामेडिकल डेंटल का काउंसलिंग का यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप जिसे भी डाउनलोड करना चाहते हैं वो इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पारामेडिकल डेंटल का यहाँ पे लिया था। तो यहाँ पे जैसे ही पारामेडिकल डेंटल काउंसलिंग सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद रोल नंबर पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है और उसके बाद साइन इन कर देना है। चलिए मैं ये सारा प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पे कैंडिडेट लॉग इन करेंगे तो आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, हमारे पास डाउनलोड अलॉटमेंट ऑर्डर करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे इस वाले सेक्शन से आप डाउनलोड अलॉटमेंट ऑर्डर कर सकते हैं। इसके पहले आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो चेक कर लेना है, आपको कौन सा सीट
प्राप्त हुआ है और किस कॉलेज में प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो अपग्रेड भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस करने के बाद जो है आप डाउनलोड अलॉटमेंट ऑर्डर जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।